हरियाणा में बीजेपी जेजेपी को लगा बड़ा झटका। कई दिग्गज विधायकों और नेताओं ने थामा कांग्रेस का दमन। कांग्रेसियों में भयंकर जश्न, भाजपा में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति में जुटे राजनीतिक दल विपक्षी खेमे में शंध लगाकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को नई दिल्ली में 3 पूर्व विधायक, 1 नगरपालिका चेयरमैन, 1 पूर्व चेयरमैन, 1 दर्जन पार्षद व अन्य कई पूर्व पार्षद विभिन्न दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रधान चौधरी उदयभान व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा, जजपा, एनएलओ और बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी उनका पूरा मान सम्मान करेगी। उन्होंने पार्टी में शामिल हुए एनएलओ के पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर, गुहला चीका से पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य फूल सिंह खेड़ी, बारहड़ा से पूर्व विधायक नरविंदर सिंह, जजपा के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम सिंह, जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन जसबीर नरवाना से भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमन बेदी, नगर पालिका बरवाला के पूर्व चेयरमैन हेमराज गुडाली ने कांग्रेस का पटका पहनाया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि पिछले 8-9 महीने में विभिन्न दलों के 26 पूर्व विधायक व सैकड़ों पार्टी पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार अब चंद महीनों की मेहमान है, लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही महीनों की बात है। जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च तक चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की वकालत करते हैं। यदि ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में बस सिर्फ 3 महीने का ही समय रह गया है। भाजपा और जजपा के अनेकों नेता हमारे संपर्क में हैं और कभी भी वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।